एक उमदा क्वालिटी के लकड़ी का फर्नीचर सेट, लाउंज के लिए सोफा सेट जरूरी हो, लड़के की माँ के लिए सोने की बालियां, लड़के की बहन के लिए जदीद डिजाइनर चेन, 3 डिनर सेट आला क्वालिटी के, उसके अलावा वॉशिंग मशीन, टीवी। अरे लोगों दिमाग सही है, ये किस किस्म की ज़हनियत? बकौल दुदाना आंटी की, ये पुराने रस्म और रिवाज बहुत जरूरी होते हैं और एक अच्छी जिंदगी की अलामत है। लेकिन बेटा ये तो 40-50 लाख रुपए का सामान होगा, ये पैसे आएंगे कहां से? रूफी बेटा, हरीम को फिलहाल मत बताना, बहुत खफा होगी। इन लोगों को अपनी हरकतों के बारे में सोचने की जरूरत है भाई। जाहिर सी बात है, हम हरीम को खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे, खुशी खुशी उसको बहुत कुछ देंगे हम। लेकिन फिर इस डिक्टेशन का क्या मतलब है? मैं नासिर से बात करता हूँ। देखो बेटा, हमारी बेटी की निस्बत तय हुई है, हमारे घर की पहली खुशी है। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई बदशगुनी हो जाए। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा। देखो दुनिया में अजीब अजीब ज़हनियत के लोग पाए जाते हैं। इंसान हर एक के साथ लड़ तो नहीं सकता। ऐसा करते हैं, बैठ के बात करते हैं, शायद उनकी समझ में आ जाए। कमाल यार, वैसे भी तो हमने अपनी बेटी को सब कुछ देना ही था ना। मेरे ख्याल में नासिर अच्छा लड़का है, हरीम के लिए अगर हरीम के साथ उसका रिश्ता तय होने जा ही रहा है, फिर हमें इस रिश्ते को कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ही अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं सबसे मान लूंगा, अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक रहेगा।